बाबा ने कहा गति भरता प्रभु साक्षी निवास सानम सुर, बस विश्व आ गया। गतिर भत्ता प्रभु साक्षी निवास स्वर्ण सुहृद प्रभाव प्रलय स्थान निधान विजनम अभ्यम। सभी मैं हूँ, हम छोड़ के और कोई वस्तु पदार्थ है ही नहीं। मत अपर तरंग किंचित दृष्टि धनंजय, मस्त अपर तरंग नन्यत किंचित दृष्टि धनंजय, मई सर्वमीदम प्रोक्तम सूत्री मणिगण एव। हमसे पढ़े और कोई तत्व है ही नहीं, जान लो। दृश्यमान जो भी वस्तु पदार्थ तुम देख रहे हो, जानना जो मेरा ही विस्तार है, मेरा ही। हम मत पर तरंग, हमसे छोड़ के और कोई वस्तु है ही नहीं। और भगवान को छोड़ करके जो वस्तु हम देखते हैं, विचार करते हैं, वो है माया। भगवान को छोड़ करके जो भी व्यक्ति वस्तु पदार्थ जो भी देखते हैं, दूसरा द्वैत विचार करते हैं, वो है माया। तो भैया जी कहते हैं जो भगवान का पहचान क्या है, तो गति, हम ही गति हैं, भर्ता भरण करते हैं, पालन पोषण करते हैं। प्रभु साक्षी अंतरात्मा रूप में सर्व जीव अंतर्जामी रूप में मैं ही विराजमान हूँ। मैं सब जानता हूँ, मैं सब देख रहा हूँ। हमसे छुपा करके कोई कर्म हो नहीं सकता है। साक्षी निवास, हम निवास कर रहे हैं अंतर जगत में, सर्वभूत अंतर्जामी रूप में मैं ही निवास कर रहा हूँ। शरणं सुहृद, और सुहृद भी मैं हूँ, शरण भी मैं हूँ, सुहृद भी मैं हूँ, ये जान करके तुम मेरा भजन करो। हम लोग तो भजन करते हैं जैसे भगवान कोई लोक में है, कहाँ है पता नहीं, हमारे आवाज़ पहुँचता है कि नहीं, ऐसे एक दूर, एक बहुत दूर भावना लेकर के, एक जैसे हमारे आवाज़ वहाँ पहुँचता ही नहीं, ना भगवान हमारा खबर लेते हैं, ना हम भगवान को जानते हैं, ऐसे ही एक भावना लेकर के, विश्वास लेकर के हम भजन करते हैं। तो ऐसा भजन करने से समय बहुत लग जाएगा। तो भैया जी इसलिए कहते हैं ऐसा समझो, पिता हम अश्व जगत माता धाता पिता मह विद्यम पवित्र मंगल ऋक्षा। पिता हम अश्व जगत, जगत का पिता मैं हूँ, माता भी मैं हूँ। पिता माने सृष्टिकर्ता, बीज रूप में भगवान माया में जीव शक्ति रूप निक्षेप कर रहे हैं। पिता हमश्व जगत, माता धाता पिता हो, ये मैं ही हूँ, ये जानो। वेदम पवित्र ओंकार ऋक्षाम जोजुरे वचो, वेद में जो ओंकार स्वरूप वो भी मैं हूँ, ऋक्षाम जोजुर वेद जो स्वरूप वो मैं हूँ। गतिर भट्टा प्रभु साक्षी सब मैं हूँ, ये मैं जान सर्वत्र हूँ, सर्वव्यापक हूँ, सर्वांतर्जामी हूँ। ऐसे जान करके तुम मेरा भजन करो तो भजन सरल हो जाएगा। और बहुत दूर जान करके तो सुनते हैं कि नहीं, वहाँ आवाज़ पहुँचता है कि नहीं, तो समय बहुत लग जाएगा। वो मूल मूल बीज जो है भगवान का ही तो बीज है ना। सर्वज्योनिषु कुंतो मूर्तयः संभवन्ति जा तासां ब्रह्म महज्जनिरहं बीजप्रद पिता। सर्वज्योनि में जितना जीव उत्पन्न होते हैं, बोलते मैं उसका बीज, निदान करता बीज मैं ही हूँ। भगवान का ही बीज है, जीव चैतन्य सत्य के आभान नहीं। हम उसको अलग अलग समझ करके, हीन भावना लेकर के, राग द्वेष लेकर के इनके साथ व्यवहार करते हैं, ये माया है। जब देखेंगे तो सब में प्रभु है, उन्हीं का ही विस्तार है, उन्हीं का ही बीज स्वरूप में वही सब जीव अंतर्जामी रूप में सर्व के भीतर विराजमान है,
तो फिर राग द्वेष से मुक्त हो जाएंगे, साधन सरल हो जाएगा, साधन में हम बहुत जल्दी निकल जाएंगे, नहीं तो बहुत समय लग जाएगा। राग द्वेष तो यही तो माया है ना, है नहीं भाई जी? आवरण आ जाता है, आवरण आ जाता है। है मगर दिख नहीं सकते हम, है मगर दिख नहीं सकते हम, देख नहीं सकते और राग द्वेष कर बैठे हैं। इसलिए मधुसूदन सरस्वती ने और एक श्लोक में कहा है, जो वो तो अद्वैतवादी थे, तो बोलते हैं आप भगवत भगवान संबंध में आप श्रेष्ठ तत्व जो है आपके विचार में जो है आप सरल रूप से वर्णन कीजिए। तो कहते हैं वंशी करा नवनिरोधावत पीताम्बरात अरुण बिंब फलाधरष्टात पुण्यन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेतात कृष्ण परम धीमहि कृष्णात परम किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। जिससे परे जो और कोई तत्व है हमको मालूम नहीं है। वंशीकरण जिसके हाथ में वेणु है, नवनिरोधावत, नवनिरोध माने बादल जैसे रंग, नवीन बादल जैसे रंग, पीताम्बर धारी अरुण बिंब फलाधरष्टात दोनों होठ जैसे अरुण बिंब लाल लाल होठ बिंब फल जैसे, पीताम्बर तो अरुण बिंब फलाधरष्टात पुण्यन्दु सुंदर मुखात पूर्ण इंदु पूर्ण चंद्रमा जैसे सुंदर मुख मुख कांति जैसे इतना सुंदर दिव्य पुण्यन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेतात। अरविंद माने कमल दल, कमल कमल के जो कली है ना ऐसे ही कमल कली के जैसे देखने में दोनों नेत्र। कृष्णात इससे परे जो और कोई तत्व है ये हमारे जानकारी है नहीं। तो कृष्ण ही परम पुरुष है, परम परमात्मा है, सबसे प्रियतम सबसे निकटतम, जगत में जितना प्रियतम वस्तु है सबसे प्रियतम है और जितना निकटतम वस्तु पदार्थ है सबसे निकटतम है। भगवान से निकटतम और प्रियतम कोई हो नहीं सकता है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम ये समझ नहीं पाते हैं। भगवान को जानते कहीं दूर है, कहीं कौन देश है, वह हमारा पहुँच है नहीं है। भगवान भी हमको जानते नहीं है, हम भी भगवान को जानते नहीं है। सबसे निकटतम सबसे प्रियतम अच्छा ठीक है।